पता मलिकाए हयात पता, गुलफाम कहाँ है, वो कौन सा जहां है, वो किस अंधेरे की आगोश है जिसमें गुलफाम रूपोश है। गुलफाम इस वक्त वहां है जो जमीन है ना आसमां है, माजी की दुनिया है, बीते हुए दिनों का जहां है। परिंदे, तू तो वक्त बेवक्त और कभी कभी बिला जरूरत बोलता रहता है, अपनी चोंच खोलता रहता है, मगर इस वक्त तू किसी बेजान पुतले की तरह खामोश है, क्यों? आका, इस वक्त मेरी वफादारी का तकाजा ये है कि आका जिब्रान के मुजस्मे के पास पहुंचूं। आका के दुश्मन कहीं आका के मुजस्मे का बुरा हश्र ना कर बैठे। ऐसा नहीं होगा परिंदे, क्योंकि जिब्रान के हाथ में जो तिलिस्म अंगूठी है उसमें जलाल और बिलाल के माँ बाप कैद हैं, इसलिए वो जिब्रान के मुजस्मे की हिफाजत इस तरह से करेंगे जैसे इंसानों के बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप की हिफाजत करते हैं। जिन्हें हवाबाज ने हमें सही जगह उतारा है ना? हाँ भाईजान, जगह तो बिल्कुल वही है। तो फिर जिनों की तरह जिब्रान का मुजस्मा कहाँ गायब हो गया? जिब्रान जादूगर है, वो पहले भी गायब हो जाया करता था। उस वक्त की बात और थी महजबीन, और इस वक्त की बात और है। इस वक्त वो पत्थर का बन चुका है। जिस तरह गुलफाम का उकाब मुझे खुरासान से उठा लाया था, उसी तरह उसने जिब्रान को भी उठा लिया होगा। नहीं हुस्नारा, जिन्हें गुलफाम के पास अब ऐसी कोई तिलस्मी ताकत नहीं बची कि वो जिब्रान के पुतले को यहां से उठा लेता। इसका मतलब है जिसने भी जिब्रान का मुजस्मा यहां से उठाया है वो तिलस्मी कुवतों का मालिक है। मगर उसे यहां से उठाएगा कौन? कोहकाफ में तो जिन्हें गुलफाम के अलावा किसी और को जिब्रान में तो कोई दिलचस्पी हो नहीं सकती। तो फिर कौन है वो जो तिलस्मी कुवतों का मालिक है और जिसने अपनी इसी कुवतों की बदौलत जिब्रान का मुजस्मा यहां से उठा लिया है? कौन है वो? गुलफाम, मैंने तुझे तिलस्मी अंगूठी हासिल करने के लिए माजी में पहुंचा दिया था, अंगूठी तुझे दिला दी है, मगर याद रहे ये अंगूठी असल नहीं, सिर्फ असल अंगूठी की तिलिस्मी शक्ल है। ये अंगूठी सदा तेरे पास रहने वाली नहीं, इसलिए जल्द अज जल्द इस अंगूठी के जरिए तू अपना मकसद हासिल कर, क्योंकि अब ये अंगूठी माजी के जमाने से हाल में है, यानी कि आज के जमाने में। और क्योंकि हाल के जमाने में ये पत्थर है, इसलिए इसका असर भी बेअसर हो जाएगा। याद रख कि तेरे पास वक्त बहुत कम है। तू फिक्र न कर, थोड़ा वक्त भी मेरे लिए बहुत है। ए हमजात मलिका, गुलफाम तेरा शुक्रगुजार है कि तेरे सबब मेरी जिंदगी भी सलामत रही और मुझे मेरी तिलिस्म में अंगूठी भी मिल गई। अच्छा, अब मैं चलती हूं, अलविदा। ऐ मेरी तिलिस्मी अंगूठी, चल अब तेरा जादू फिर जगाए, चलकर जिब्रान को पत्थर से फिर जीता जागता आदमी बनाए। चलिए आका। जिब्रान का मुजस्मा मैं यहीं छोड़ गया था, कहां गायब हो गया? इस मुजस्मे की निगरानी और पहरेदारी के लिए मैंने अपना तिलिस्म मुखबिर लगाया था,
कमबख्त वो भी गायब हो गया। तिलिस्मी मुखबिर फौरन हाजिर हो, जाहिर हो। उठ लड़के, लड़के उठ, नालायक नमक हराम उठ। आका गुलफाम आप आ गए। नामाकुल नालायक लड़के, तू सो रहा था। आका मैं क्या करता, जादूगर जिब्रान के मुजस्मे पर हर घड़ी हर पल नजर रखते रखते आंखें झपकने लगी, पता ही नहीं चला किस वक्त नींद के आगोश में चला गया। तुझे अपने फर्ज से नींद ज्यादा प्यारी है, तेरी गफलत का अंजाम देख, देख उधर जिब्रान गायब हो चुका है। आका मगर जिब्रान तो पत्थर का बन गया था, फिर भी चलकर कहां गया? मैंने तुझे अंगूठी की निगरानी सौंपी, अंगूठी की चोरी हो गई, फिर मैंने तुझे पुतले की निगरानी सौंपी, पुतला चोरी हो गया। जो आंखें निगरानी नहीं कर सकती उसकी नजर छीन लेनी चाहिए। मैं तुझे पत्थर का बना दूंगा, पत्थर की नजर बेनजर होती है, बेखबर मुखबिर। नहीं आका, मुझे माफ कर दीजिए आका, मुझे पत्थर का मत बनाइए। अगर मेरी नजर ही खो गई तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। जिब्रान का पुतला मेरी आंखों के सामने सट गया तो क्या, मेरी नजरें उसे जरूर ढूंढ निकालेंगी। गुलफाम तेरी आंखों का मोहताज नहीं, फिर भी तुझे माफ करता है और तुझे एक मौका और अता करता है। अपनी नजरों को दौड़ा और मुझे फौरन बता जिब्रान का मुजस्मा कहां है। मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर में यह अंगूठी अपना तिलिस्म खो देगी, इसका असर जाया हो जाएगा और ये खुद भी गायब हो जाएगी। मगर ऐसा होने से पहले मुझे जिब्रान को इंसान बनाकर अपनी असल अंगूठी हासिल करनी होगी। बता, जल्दी बता, जिब्रान का मुजस्मा कहां है? मैं अभी पता करके आता हूं आका। कमबख्त जिब्रान पत्थर का बनकर भी चैन से नहीं बैठा, न जाने अपने तोते की तरह कहां उड़ गया। जिब्रान का पुतला कहां गया? अरे मेरा आका गायब हो गया, मैं क्या करूं? आका को कहां ढूंढूं, कहां से लाऊं? ताजेरी कौन दुश्मन वो बेकार पत्थर उठाकर ले गया। चुप रहे परिंदे, रो रो कर मेरे ख्यालात को परेशान न कर, कुछ सोचने दे। सोचिए मत, कुछ कीजिए आका सामरे, मेरे आका को ढूंढिए, न जाने वो किस अंधेरे में गुम हो गए। सामरी तारीखियों का शहंशाह है, अंधेरों का बादशाह है। काला जादू मेरी मुट्ठी में है, अंधेरे की कोई काली चादर जिब्रान को मेरी नजरों से बचा नहीं सकती, छुपा नहीं सकती। अभी बताता हूं मैं कि तेरे आका जिब्रान का मुजस्मा कहां है। जिब्रान देख ये पत्थर, देख, देख ये हश्र, अपनी बदकिस्मती का असर देख। काश तेरी आंखें पथराई न होती, काश तू देख पाता, आंसू बहा पाता, काश तू बोल पाता, होंठ हिला पाता, तू आह भरता और मैं वाह करती। क्या हुआ अगर तू पत्थर का बन गया तो? क्या हुआ अगर तू तड़प नहीं सकता तो? अब मैं तेरी रूह को तड़पाऊंगी, तेरे इस मुजस्मे को रीजा रीजा कर दूंगी, तुझे नेस्तो नाबूद कर दूंगी। नहीं, मलिकाए शबाब, ये मत करना, जुल्म मत करना, वरना मेरा बंदा खाम खाम मारा जाएगा। मैं तुझे ये जुल्म करने नहीं दूंगा मलिकाए शबाब, मैं आ रहा हूं। जिब्रान का मुजस्मा अपने तिलस्म से यहाँ ले तो आई है मलिकाए शबाब, अगर इस पत्थर का करेंगी क्या? जिब्रान की जान लूंगी, इससे इंतकाम लूंगी मैं,
मुर्दों से क्या इंतकाम मलकाए शबाब, वो तो पत्थर का बन चुका है। इस पत्थर को मैं पानी बना दूंगी। मगर पत्थर पानी कैसे बन जाएगा? इस जादूगर की लालच और बेईमानी से आबे शबाब का शबाबी असर जाता रहा और उसके उल्टे असर से जवानियां बुढ़ापे में बदलने लगी। इसी आबे शबाब से पत्थर भी पानी बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आतिशविशा के लावे में लोहा पिघलता है। मेरे इंतकाम की आग जिब्रान को आबे शबाब में डुबोकर ही बुझेगी। कनीसों, तुम सब मिलकर जिब्रान के इस शैतानी पुतले को उठाकर आबे शबाब में फेंक दो। नहीं 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 मलका शबाब, नहीं, ये गजब मत करना। जलाल तुम? हाँ मलका शबाब, ये सितम हरगिज हरगिज नहीं करना मलका शबाब, वरना वरना गजब हो जाएगा। तुम कौन हो? मैं जलाल का भाई हूँ। हम दोनों भाई अपने माँ बाप की जान बचाने की खातिर यहाँ आए हैं मलका शबाब। माँ बाप की जान? मगर ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और उनकी जान का ताल्लुक जिब्रान के पुतले की तबाही से किस तरह? मलका शबाब, जादूगर जिब्रान के हाथ में जिन्हें गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी है जो इसने धोखे से चुराई है, और इस धोखेबाज ने जादूगर जिब्रान ने उसी तिलिस्मी अंगूठी की बदौलत बिलाल को पत्थर का बनाना चाहा, अगर वो खुद पत्थर का बन गया। मगर इस हादसे से पहले जादूगर जिब्रान ने हमारे माँ बाप से बदला लेने की खातिर हमारे माँ बाप को अंगूठी में कैद कर लिया, और उसके पत्थर बन जाने के साथ ही वो अंगूठी भी पत्थर बन गई जिसमें हमारे माँ बाप कैद है। तो ये बात है, अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर आ गए, वरना मैं तो जिब्रान को नेस्तो नाबूद कर चुकी होती। इस पुतले को देखकर आज एक बात समझ में आती है कि अगर शैतान मर भी जाए तो उसकी शैतानियत खत्म नहीं होती। पत्थर बनके भी जिब्रान कितनी अहमियत इख्तियार कर रहा है। एक तरफ तुम दोनों भाई अपने माँ बाप की खातिर इस पुतले को बचाना चाहते हो, तो दूसरी तरफ गुलफाम अपनी अंगूठी हासिल करने तक इसको तबाह और बर्बाद होने से बचाएगा। वो भी यहां जरूर आएगा। जल्दी कीजिए आका, पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है, मेरे आका जिब्रान की जान का खतरा बढ़ता जा रहा है। गुलफाम आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। हम जानते थे तुम अपनी तिलिस्मी अंगूठी लेने यहाँ जरूर आओगे। मलिका ए शबाब, गुलफाम तुम्हें सलाम करता है। मत ले हमारा नाम, तेरे होठों पे मलिका ए शबाब का नाम अच्छा नहीं लगता। मगर क्यों मलिका, आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? ये तू कह रहा है, तूने कोहे काफ की एक से बढ़कर एक परी ठुकरा कर यहाँ तक कि हमारे हुस्न की बेकदरी करके कोहे काफ की परियों के साथ साथ हमारी भी तौहीन की है। ये क्या कह रही हो मलिका, मैंने तो किसी की तौहीन नहीं की। कोहे काफ की परियों को छोड़कर एक आदम साथ हसीना से इश्क, क्या ये हम सब की तौहीन नहीं है? दिल के मामलात पर मेरा कोई अख्तियार नहीं है। दिल जिस पर आना होता है बगैर किसी मर्जी और इख्तियार के आ जाता है। चल, हम वतन समझकर तुझे मुआफ किया, बता हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं? मलिका शबाब, मैं देख रहा हूं कि तू इस आदमजात जादूगर जिब्रान को अकेले ही सजा दे रही है, जबकि ये मेरा भी मुजरिम है। नहीं गुलफाम, हम अपने मुजरिम को हाथ लगाने की इजाजत किसी को नहीं देते। अलबत्ता अगर तू चाहे तो अपनी तिलिस्मी अंगूठी निकाल सकता है। इसके लिए मुझे जिब्रान के मुजस्मे को फिर से जिंदा करना होगा, जिसकी तकबीर मैं करके आया हूँ। बहुत खूब, ये तो और भी अच्छी बात है। जीते जागते जिब्रान पर कहर ढाने में, सितम करने में, उसे सजा देने में तो बहुत लुत्फ आएगा, मगर इसे पुतले से इंसान बनाकर
और अपनी अंगूठी हासिल करके कहीं तो उस तिलिस्मी अंगूठी से जिब्रान को वापस पत्थर का तो नहीं बना देगा? तू वादा कर कि तू ऐसा नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ मलिका ए शबाब। मलिका ए शबाब को मलिका ए हमजाद का सलाम कबूल हो। ये मेरी मोहसिन है मलिका ए हमजाद। मुझे मुआफ करें, मैं एक लम्हा भी जाया नहीं कर सकती गुलफाम। तुम्हारी तिलिस्मी अंगूठी का असर कुछ ही लम्हों का मेहमान है। फौरन जिब्रान को पत्थर से इंसान बना दो, वरना फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। अलविदा। गायब हो चुकी है। अच्छा ही हुआ, अब इसे सजा देने के लिए इसे पत्थर का बनाने की जरूरत नहीं रही। वाकई गुलफाम, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तेरे हाथों जिब्रान अपनी आधी सजा भुगत रहा है, आधा पत्थर का बनकर रह गया है, और आधी सजा उसे मैं दूंगी। चालाकी नहीं जिब्रान, अब तू मेरी मुट्ठी में है। कोई जादू नहीं चलेगा जिब्रान। मलिका ए शबाब, अब तेरा मुजरिम तेरे कब्जे में है, इसका जो चाहे हश्र कर, मगर मुझे मेरी अंगूठी वापस कर। जरूर। उस नारा, मेरी महबूबा, तेरा आशिक जिन्हें गुलफाम तेरे पास आ रहा है दूल्हा बन के। असली अंगूठी तो मेरे पास है जिब्रान, अब तुझे सजा देने का वक्त आ गया है। अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तिलिस्मी परिंदे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने अजीज बंदे को मौत को निगलने नहीं दूंगा। छीन लूंगा मैं उसे मौत की गोद से, बचा लूंगा मैं उसे कजा के हाथों से। मलिका शबाब, मलिका शबाब, मुझे मुझे बचाओ।
मुझे बचाओ मलिका शबाब। हाँ, ये तेजाब जैसी ही चलन है और इसे तेजाब तेरे ही फरेब ने बनाया है। मेरा जिस्म आग की तरह जल रहा है मलिका शबाब, मुझे बचाओ। चलने दे और चलने दे, तेरी जवानी इसमें जल चुकी है। खुदारा मुझे बचा लो मलिका शबाब, मुझे बचा लो। शैतान के बंदे को अब खुदा याद आ रहा है। आका सागरी,